और भारत के खिलाफ नई साजिश में इस वक्त चीन जुटा है, जहां गलवान झड़प के बाद साइबर हमला तेज कर दिया है और चीन ने 40,000 से ज्यादा बार साइबर अटैक किया है। भारत के खिलाफ साइबर हमले की चीन की ये नई साजिश। चीन का भारत के खिलाफ आक्रामक रुख कम नहीं हो रहा। वह एलएसी पर अपनी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ा रहा है। बॉर्डर पर उसका सैन्य अभ्यास भी जारी है। इसको देखते हुए भारत भी उसी की भाषा में जवाब दे रहा है और बॉर्डर पर एयरफोर्स ने दहाड़ लगाई। मैदान में मात खाए चीन अब भारत पर साइबर हमले कर रहा है। भारत पर होने वाले साइबर हमलों पर नजर रखने वाली संस्था इंडिया फ्यूचर फाउंडेशन की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जब भी भारत में कोई बड़ी घटना होती है तो उसके बाद देश पर होने वाले साइबर हमलों में बड़ी तादाद में इजाफा होता है। गलवान झड़प के बाद भारतीय साइबर स्पेस पर चीन ने 40,300 बार साइबर हमला किया। चीन की ओर से होने वाले साइबर हमलों में 200% इजाफा सिर्फ गलवान हिंसा के एक महीने के अंदर हुआ। लद्दाख में एक अहम भारतीय पावर ग्रिड पर हाल ही में साइबर हमले की कोशिश हुई। इसका मकसद संवेदनशील जानकारी चुराना था। नोटबंदी के बाद भी 80,000 बार साइबर अटैक की रिपोर्ट सामने आई है। इस बीच यूपी के नोएडा में बिना वीजा के रह रहे 14 चीनी नागरिक पकड़े गए हैं, जो मोबाइल कंपनी में काम करते हैं। सभी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी नोएडा में रह रहे थे।